हेलो फ्रेंड्स, दिवाली आने वाली है और सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो आज मैं आपके साथ दिवाली में लंबे समय तक जलने वाले दिए की टिप शेयर कर रही हूँ, जिसे हम एल्युमिनियम फॉइल से तैयार करेंगे। इस दिए को जलाने के लिए ना तो हमें घी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही तेल की ज़रूरत पड़ेगी और ये दिए काफ़ी लंबे समय तक जलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस दिए को कैसे बनाते हैं। तो इस दिए को बनाने के लिए हमें चाहिए फॉइल पेपर, वही फॉइल पेपर जिसमें हम रोटी और पराठे लपेटते हैं। तो ये फॉइल पेपर तो आपके घर में होगा ही, तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं चाहिए, बस थोड़े से ही फॉइल पेपर की ज़रूरत है। इससे हमारे ढेर सारे दिए बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम और फॉइल पेपर ले लेंगे। तो अभी तो मैं इतना सा ही फॉइल पेपर कट कर ले रही हूँ। अब इस फॉइल पेपर से हम दिए तैयार करेंगे। तो फॉइल पेपर को मैंने लंबाई में कट कर लिया है। अब इसे हम छोटे टुकड़े में कट करेंगे। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे टुकड़े में फॉइल पेपर को कट कर लेना है। तो मैंने तो फॉइल पेपर कट कर लिया है, इसी तरह से आप भी फॉइल पेपर कट कर लीजिए। तो इस दिए में बत्ती डालने के लिए पहले हम बत्ती बना लेंगे। तो मैंने पहले भी आपके साथ बत्ती बनाने की वीडियो शेयर की हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वीडियो में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले हम लंबी बत्ती बनाएंगे। तो लंबी बत्ती बनाने के लिए हम कॉटन को ले लेंगे और उसे लंबा हथेली पर रख देंगे और हथेलियों की मदद से इसे रब करेंगे। देखिए, ये हमारी लंबी बत्ती बनकर तैयार हो गई है। अगर आपसे नहीं बन रही है तो आप हाथ में पानी या फिर घी लगा सकते हैं, उससे भी बत्ती आसानी से बन जाती है। देखिए, ये गोल भी बत्ती बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा कॉटन हाथ में लीजिए और दोनों सिरे को आप एक तरफ करके उसे हल्का सा रब कर दीजिए। देखिए, गोल बत्ती बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम गोल और लंबी बत्ती बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मेरी लंबी और गोल बत्ती बनकर तैयार हो गई है। देखिए, मैंने गोल और लंबी बत्ती बनाकर तैयार कर ली है। तो हमारी बत्तियाँ तो तैयार हो गई हैं। अब हम दिए बनाते हैं। तो उसके लिए हम फॉइल पेपर ले लेंगे जो हमने कट किया हुआ था। अब इस दिए को बनाने के लिए मैंने तरह तरह के ढक्कन ले लिए हैं, छोटे बड़े जैसे दिए आपको बनाने हो उस तरह के दिए आप ले लीजिए। मैंने तरह तरह के ढक्कन लिए हुए हैं। अब बड़े ढक्कन में मैं आपको दिया बनाकर दिखाती हूँ। देखिए, ये दिया बनाना कितना आसान है। ढक्कन को आप फॉइल पेपर के बीचों बीच में रखिए और चारों तरफ से फॉइल पेपर को आप इसमें घुमा घुमा कर लगा दीजिए और जो एक्स्ट्रा फॉइल पेपर है उसे आप सीजर की मदद से कट कर दीजिए। ये हमारा दिया बनकर तैयार हो गया है। ये दिया फ्लोटिंग भी करता है, आप इसे पानी में भी डालकर जला सकते हैं। जिस दिए को आप महंगे महंगे दामों में खरीद कर लाते हैं उसे आप थोड़े से फॉइल पेपर से बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये दिया हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो ये दिया मैंने बड़ा बनाया हुआ है। अब मैं आपको छोटा दिया भी बनाकर दिखाती हूँ। तो उसके लिए हम छोटा सा फॉइल पेपर कट कर लेंगे क्योंकि ढक्कन हमारा छोटा है। तो हम छोटा दिया बनाकर इसे तैयार करेंगे। देखिए, जैसे हमने बड़ा दिया बनाया था उसी तरह से हमें छोटा दिया भी बनाकर तैयार कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फॉइल पेपर है उसे कट करके निकाल देना है। तो हमारा छोटू सा दिया बनकर तैयार हो गया है। और अगर आपके पास छोटा ढक्कन नहीं है तो आप बड़े ढक्कन से भी छोटा सा दिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए आप फॉइल पेपर को कट कर लीजिए और बड़े ढक्कन में ही फॉइल पेपर को लपेट दीजिए। जैसे हमने पहला दिया बनाया था उसी तरह से हमें इस दिए को भी बनाकर तैयार कर लेना है। मगर जब ये दिया तैयार हो जाए तब इसे सीजर की मदद से ऊपर से कट कर लीजिए। इससे आपका छोटा सा दिया बनकर तैयार हो जाएगा। तो जिस साइज़ में भी आपको दिया बनाकर तैयार करना है उस साइज़ में आप दिया बनाकर तैयार कर लीजिए। देखिए, हमारे ढेर सारे दिए बनकर तैयार हो गए हैं। आपको दिया को जितना छोटा करना है उतना छोटा आप गुलाई से कट करती चली जाइए। दिया हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इस दिए में हमें कुछ काम और करना है जिससे हमारा बाजार जैसा दिया बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, मैंने बड़े छोटे सब तरह के दिए बनाकर तैयार कर लिए हैं। दोस्तों, दिवाली में हम दिए के साथ साथ कैंडल का भी इस्तेमाल करते हैं, मगर आप देखते होंगे कि कैंडल बहुत ही जल्दी मेल्ट होती चली जाती है और बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो जब भी आपको कैंडल जलाना हो आप कैंडल के ऊपर फॉइल पेपर को लपेट दीजिए। इस तरह से जब आप फॉइल पेपर कैंडल के ऊपर लपेट देंगी तो आपका कैंडल काफ़ी लंबे समय तक जलेगा। इससे कैंडल जल्दी मेल्ट नहीं होगा और कैंडल लंबे समय तक जलता रहेगा। तो देखिए, मेरे पास जितने कैंडल थे उसमें मैंने फॉइल पेपर को लपेट लिया है।
अब हम बाती में फॉइल पेपर को लपेटेंगे, क्योंकि जब हम बाती को जलाते हैं तो आप देखते होंगे कि जैसे ही तेल धीरे धीरे ख़त्म होता है तो बाती नीचे की तरफ लपेट खाने लगती है, जिसकी वजह से सारी बाती एक साथ जल जाती है। तो इसके लिए भी आपको फॉइल पेपर का छोटा सा टुकड़ा लेना है और बाती के ऊपर इस तरह से लपेट देना है जैसे मैंने लपेटा हुआ है। वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इस तरह से बाती पर फॉइल पेपर को लपेटने से बाती वहीं पर जलती रहती है, नीचे की तरफ नहीं आती है। तो जो हमने फॉइल पेपर के दिए बनाए हुए थे उसे हम कैसे जलाएंगे, तो उसके लिए मैंने गैस पर दिया रख दिया है और उसमें मैंने कैंडल के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए हैं। आप इसके लिए कैसा भी कैंडल ले सकते हैं, टूटा हुआ कैंडल या फिर खड़ा कैंडल, जो भी आपके पास है वो कैंडल आप इसके लिए ले सकते हैं। तो मैंने दिए का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि दिया काफ़ी देर तक गर्म रहता है, इसकी वजह से जो हम कैंडल को मेल्ट कर रहे हैं वो काफ़ी लंबे समय तक मेल्ट ही रहता है। तो पहले हमें कैंडल को मेल्ट कर लेना है और उसके अंदर जितने भी धागे हैं उसे हमें निकाल देना है। तो मैंने सरसी से इसे उठाने की कोशिश की मगर इसे नहीं उठ रहा है, तो मैं कपड़े से इसे उठाकर एक प्लेट में रख दे रही हूँ क्योंकि दिया काफ़ी गर्म है। अब हम इस दिए को बनाते हैं। तो फॉइल पेपर के दिए को बनाने के लिए मैंने गोल बाती ली हुई है, आप चाहे तो लंबी बाती भी ले सकते हैं मगर गोल बाती इसमें देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है, इसलिए मैंने इसमें गोल बाती ली हुई है। तो गोल बाती को आप नीचे से दबाते हुए फिर आप दिए में रखिए। अब इसके ऊपर आप इस मेल्ट किए हुए कैंडल को डाल दीजिए। तो जितने दिए आपने बनाए हैं उतने दिए में आप इस पिघले हुए कैंडल को डाल दीजिए। आप चाहे तो कलरफुल कैंडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस मेल्ट किए हुए कैंडल में कलर डालकर इसे कलरफुल बना सकते हैं। अब इन दियों को जमने के लिए हम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और जो ये दिया है जिसमें हमने कैंडल को मेल्ट किया हुआ है उसमें भी हम बाती लगा देंगे जो कि हमने फॉइल पेपर से लपेटा हुआ है। तो इसे हम दोनों तरफ से कैंडल में डिप कर लेंगे, उसके बाद दिए पे लगा देंगे। ये भी बाती काफ़ी लंबे समय तक जलती रहती है। इस बाती को आप तेल में भी ऐसे ही जलाएं तो भी ये बाती काफ़ी लंबे समय तक जलती रहती है। अब इसे हमें ठंडा हो जाने देना है जिसे ये अच्छी तरह से जम जाए। 5 से 10 मिनट में ही आप देखेंगे कि ये दिया बनकर तैयार हो गया है। जैसे बाजार वाला दिया होता है बिल्कुल उसी तरह का दिया आपने घर पर ही बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब इन दियों को हम जलाएंगे कैसे, तो मैं पहले आपको पानी में इसे जलाकर दिखा रही हूँ। ये दिए फ्लोटिंग भी करते हैं जिसकी वजह से ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कांच के बाउल लिए हुए हैं। अगर आपके पास कांच के बाउल नहीं हैं तो आप इस तरह से बॉटल के बॉटम वाले पार्ट को कट कर लीजिए। उसमें भी जब आप दिए को जलाएंगे तो दिया देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो मैंने पहले सभी बर्तनों में पानी डाल दिया है, तो हमें पानी पूरा नहीं भरना है, थोड़ा पानी हमें डालना है। अब इन दियों को हमें पानी में डाल देना है। आप अगर इसे और भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप अपने पसंद के अनुसार इसे बना सकते हैं। तो मैंने पहले एक बॉटल में कलर डाला हुआ है, तो इसमें मैंने फूड कलर डाला है और दूसरे में मैंने फ्लावर डाल दिया है। आपके पास जो भी फ्लावर हो, जिस तरह से भी आप इसे सजाना चाहते हैं उस तरह से आप इसे सजा सकते हैं, जिससे ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये दिया हमारा जलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसे मैं आपको जलाकर दिखा रही हूँ कि ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए, इसे मैं आपको जलाकर दिखाती हूँ। कैंडल को जब आप पानी में जलाएंगे तो नीचे से कैंडल ठंडा होता रहता है और ऊपर से जलता है, जिसकी वजह से कैंडल काफ़ी लंबे समय तक जलता रहता है, ये मेल्ट नहीं होता है। तो मैंने सभी दियों को जला दिया है। देखिए, ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इन दियों को पानी में और बाहर कहीं पर भी रखकर जला सकते हैं। ये देखने में तो खूबसूरत लगता ही है, ये लंबे समय तक जलता रहता है। और इस दिए को जलाने के लिए आपको घी या तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बाहर से महंगे महंगे दिए लाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस घर में ही फॉइल पेपर से आप ढेर सारे दिए बनाकर तैयार कर लीजिए। इस दिए को आप कहीं पर भी रखकर जला सकते हैं, ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। दोस्तों, इस दिए को मैंने पूजा के लिए नहीं बनाया हुआ है, इसे मैंने घर को सजाने के लिए बनाया हुआ है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि
पूजा के लिए तो तेल या घी का ही दिया चलता है, मगर मैंने इसे पूजा के लिए ना बनाकर सिर्फ घर को सजाने के लिए बनाया हुआ है। इस दिए को आप पानी में भी जला सकते हैं और बाहर भी रखकर जला सकते हैं। दोनों तरह से ये दिया काफ़ी लंबे समय तक जलता रहता है। तो देखिए, अब मैं आपको इसे नीचे रखकर भी दिखा रही हूँ। देखिए, ये पानी में नहीं जल रहा है, नीचे भी ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो इस दिवाली आप इस तरह से दिए बनाकर अपने घर को सजाइए और अपने ढेर सारे पैसों की बचत करिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी फॉयल पेपर से दिए बनाने की टिप, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।